हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इग्नू के जो असाइनमेंट हैं वो लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा इग्नू ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन से रिगार्डिंग। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन ही सबमिट करिए, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि जब लॉकडाउन खुलेगा और अगर डेट बचती है असाइनमेंट सबमिशन करने की तो भी ऑफलाइन भी होगा, लेकिन बेहतर आपके लिए यही है कि अब आप अपना असाइनमेंट ऑनलाइन ही सबमिट कर दें, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपकी इग्नू से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उसको जाकर चेक करिए वहाँ पर क्या ईमेल आया हुआ है, ठीक है। ये बात हो गई ख़त्म। अब हम यहाँ पर हम मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जितने भी आपके पास सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ आपको क्रिएट कर लेनी है। पीडीएफ क्रिएट करना अगर नहीं आती है आपको, तो यहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर से जो कैम स्कैनर ऐप है वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे, जो कैम स्कैनर ऐप होता है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। एक बार मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का दिखता है वो। देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसको इंस्टॉल करोगे, उसके बाद फ़ोटो वगैरह खींचोगे, उसको आप उसके फ़ोटो की जो इमेज होती है उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना आप काम कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ पे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आपको अब देखनी है अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट। जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसकी वेबसाइट पर जाना है। उसकी वेबसाइट पर आप कैसे जाओगे, क्रोम में खोल लेना सिंपली। जो भी आपका सेंटर है, लखनऊ है, दिल्ली है, जोधपुर है, जयपुर है, अलीगढ़ है, जो भी आपका सेंटर है, सिंपली लिख देना यहाँ पर लखनऊ, लखनऊ इग्नू सेंटर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इतना जब आप लिख दोगे तो यहाँ पर आप आओगे तो आपको ये देखिए इग्नू लखनऊ रीजनल सेंटर, इस पर क्लिक कर देना तो ये लखनऊ रीजन सेंटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट पर जाकर देख लेना कि क्या नोटिस आया हुआ है असाइनमेंट से रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस वेबसाइट को ज़रूर चेक कर देना। अगर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी नोटिस नहीं है तो थोड़े दिन रुक जाना। अभी मैं ये वीडियो लगभग 13 अप्रैल को बना रहा हूँ और 30 अप्रैल तक का टाइम है, तो आप चाहो तो थोड़ा टाइम रुक भी सकते हो, ठीक है। और अपना ईमेल आईडी तो चेक करोगे ही। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट पर आने का चक्कर है, ये सिर्फ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस वेबसाइट पर आपके रीजनल सेंटर ने जो ईमेल आईडी क्रिएट करी है, ठीक है, जो ईमेल आईडी क्रिएट करी जिस पर आपको असाइनमेंट सेंड करने हैं, वो ईमेल आईडी आपको इस रीजनल सेंटर से मिलेगी, ओके। तो इस वजह से आपको अपने रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाकर देखना है कि उन्होंने क्या गाइडलाइंस, क्या ईमेल आईडी यहाँ पर जारी करी है, ठीक है। अब जैसे ये लखनऊ की जो वेबसाइट खुली हुई है, यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर देखना अनाउंसमेंट के सेक्शन में, ये देखिए यहाँ पर एक गाइडलाइंस मेंशन है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और नीचे हिंदी लैंग्वेज में भी है। तो इस पर जाकर हम एक बार गाइडलाइंस को थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। लगभग दोस्तों हर रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस सेम ही होती हैं, ठीक है। बस यहाँ पर मुद्दा ये है कि आपको जो ईमेल आईडी है वो पता होनी चाहिए कि क्या ईमेल आईडी है जिस पर आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं या फिर मेल करने हैं। अब जैसे ये नोटिस खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सेपरेट ईमेल आईडी क्रिएट कर दी गई है असाइनमेंट के लिए, और ईमेल आईडी भी यहाँ पर मेंशन है, ये आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर का जो ऑप्शन है। तो इस ईमेल आईडी पर आपको जो लखनऊ वाले स्टूडेंट हैं उनको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। और नीचे आपको कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि कवर पेज के अंदर क्या क्या डिटेल आपको एंटर करनी है वो यहाँ पर मेंशन है। जैसे आपको अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर और स्टडी सेंटर कोड, इसके अलावा प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उसका कोड क्या है और सब्जेक्ट का नाम क्या है, टाइटल का मतलब ये है, ठीक है। एड्रेस का एड्रेस ऑफ स्टूडेंट और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर और एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, ये कवर पेज पर आपको मेंशन करना है हर असाइनमेंट के, यानी कि अगर 5 सब्जेक्ट के असाइनमेंट है तो हर सब्जेक्ट के जो कवर पेज होगा उस पर ये सब डिटेल होनी कंपलसरी है। और दोस्तों ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऑलमोस्ट हर रीजनल सेंटर के लिए हैं ये गाइडलाइन, ठीक है। आप दिल्ली से हो, लखनऊ से हो, ऑलमोस्ट हर रीजनल सेंटर के लिए ये गाइडलाइंस होती हैं, एक तो ये चीज़। और दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि असाइनमेंट जब आप सबमिट करोगे तो उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में पहला पेज जो होगा वो कवर पेज होगा, दूसरा पेज आप लगाओगे जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए होंगे आपके, यानी जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के असाइनमेंट के क्वेश्चन उसमें मेंशन होने चाहिए, उसके बाद सिंपली आपके हैंड रिटन आंसर्स होने चाहिए। उसके बाद नीचे आओगे, जब आप पीडीएफ क्रिएट कर लोगे तो पीडीएफ क्रिएट करते टाइम अगर आप कैम स्कैनर से करते हो तो उस टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि फाइल का नाम क्या रखना है, ठीक है। या तो आप उस टाइम पर ही कर सकते हो,
अदरवाइज अगर आपने सेव कर दिया है तो उसको एडिट करके फाइल का नाम भी आपको चेंज करना है। जैसे अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करा तो उस पर्टिकुलर पीडीएफ का नाम आपको किस तरीके से रखना है, पहले इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, उसके बाद यहाँ से डैश लगाओगे आप ये वाला, उसके अलावा प्रोग्राम कोड, जो भी आपका प्रोग्राम है उसका कोड, फिर डैश लगाओगे, फिर कोर्स कोड, प्रोग्राम का जो भी सब्जेक्ट है, कोर्स का मतलब इग्नू में सब्जेक्ट से होता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट का कोड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ का नाम भी रखना होगा, और ये भी ऑलमोस्ट हर सेंटर के लिए गाइडलाइंस हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, इसको भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये 112233-BA है, डैश BA के बाद आपका सब्जेक्ट कोड वगैरह, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर लेना। द लेजिबल स्कैन कॉपीज ऑफ हैंड रिटन असाइनमेंट अलॉन्ग विद क्वेश्चन पेपर इन पीडीएफ फॉर्मेट टू बी सबमिटेड टू ओनली, तो यहाँ पर ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, इस पर सबमिट करना है, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस कुछ बताई गई हैं जो कि आपको फॉलो करनी है, और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट हर रीजनल सेंटर के लिए ऐसी ही गाइडलाइंस रखी गई हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप ईमेल लिखोगे, ठीक है, तो उसके ईमेल का जो आपका जो सब टाइटल होता है उसमें आप लिखना जून 2020 असाइनमेंट, ठीक है। और जो बॉडी होती है सब्जेक्ट बॉडी, उसमें आप अपनी सही डिटेल लिखना, अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड, सब्जेक्ट कोड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है, और एड्रेस, जो कि आप कवर पेज पे लिखोगे ना, वो कवर पेज पे जो भी आप चीज़ें लिखोगे उसको आपको जो ईमेल की सब्जेक्ट बॉडी होती है वहाँ पर भी लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि कुछ 8 चीज़ें ऐसी हैं जो कि होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है, ये सब 8 चीज़ें आप अपनी ईमेल की सब्जेक्ट बॉडी जो होती है वो उसमें लिखोगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों, ये तो लॉजिक सी चीज़ है, ये तो लिखनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है, प्रोफेशनल लगे आपका ईमेल तो इसलिए ये लिखनी ही पड़ेगी। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपके रीजनल सेंटर के ऊपर, सॉरी, रीजनल सेंटर की वेबसाइट के ऊपर कोई भी नोटिस नहीं आया हुआ है, ठीक है, कोई भी नया नोटिस नहीं आया हुआ है असाइनमेंट से रिगार्डिंग, जिसमें ईमेल आईडी मेंशन हो, तो उस केस के अंदर आपको या तो अपने सेंटर से कांटेक्ट करिए फ़ोन नंबर पर, फ़ोन नंबर तो वेबसाइट से आपको मिल ही जाएगा, और या तो जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है वहाँ पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। रीजनल सेंटर की वेबसाइट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी इजीली, रीजनल सेंटर की वेबसाइट और डेडिकेटेड वेबसाइट पर दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको असाइनमेंट सेंड करने हैं, जो कि अलग अलग नोटिस आ रहे हैं, वो रीजनल सेंटर अपनी अलग ईमेल आईडी बना रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी अलग ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो आपको उसकी पर्टिकुलर जो पहले से उनकी ईमेल आईडी है वहाँ पर सेंड करना है, अदरवाइज आप थोड़े दिन वेट कर सकते हो, हो सकता है बाद में वो भी क्रिएट कर दें अपनी ईमेल आईडी, ठीक है। और ये चीज़ सबको लिखनी है, मैंने बता दिया, ठीक है, पीडीएफ का नाम सबको क्रिएट करना है, ठीक है। वैसे अगर आपकी गाइडलाइंस में मेंशन नहीं है तो आप ना भी करें, लेकिन आप खुद दिमाग से सोचिए कि जब आप किसी को कोई पीडीएफ भेज रहे हो तो उस पीडीएफ का कुछ नाम तो होना चाहिए, तो आपको भी ऐसा करना है, ठीक है। नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको भी नाम चेंज कर देना है और ईमेल बॉडी में ये सब करना है, और जितनी भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ आपको क्रिएट करनी है कैम स्कैनर के थ्रू। अगर इस वीडियो में ज़्यादा कमेंट्स आए पीडीएफ के ऊपर कि पीडीएफ क्रिएट कैसे करनी है, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि पीडीएफ क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, फिलहाल तो यही डाउट्स आपके होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता करनी है कौन सी ईमेल आईडी पर सेंड करना है आपको असाइनमेंट, ठीक है, अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर जाकर, उसके बाद पीडीएफ क्रिएट कर लेना, ठीक है। और पीडीएफ के जो है आपका जो पीडीएफ है उसके कवर पेज में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें एंटर करनी है, ठीक है, वो तो नॉर्मली वैसे भी जब ऑफलाइन भी सबमिट करते हो तो भी एंटर करनी पड़ती है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका असाइनमेंट का पेज होता है, ठीक है, जैसे असाइनमेंट का पेज है, जैसे शीट का जो पेज होता है, इसका जो मार्जिन होता है ये वाला मार्जिन के ऊपर आप अपना नाम लिखना, ठीक है, नाम के अलावा अपना सिग्नेचर करना उसके ऊपर और इनरोलमेंट नंबर लिखना, ये काम आपको असाइनमेंट के हर पेज के ऊपर करना है, ठीक है। हालांकि ये जो गाइडलाइंस हैं ये दिल्ली रीजन वाले सेंटर के ऊपर लिखी हुई हैं, हर सेंटर के ऊपर नहीं है, लेकिन ये काम अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ये काम मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, असाइनमेंट के हर पेज के ऊपर। जैसे अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका कवर पेज तो आप बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन कवर पेज के अलावा जितने भी अदर पेजेस होंगे जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हुए हैं, तो उन पेजेस का जो मार्जिन होता है टॉप राइट कॉर्नर पे, ये वाला कॉर्नर पे, यहाँ पर आपको अपना नाम,
एनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर कर देना, ठीक है, लिख देना उसको, ठीक है। अगर 50 पेजेस का भी आपका असाइनमेंट है तो यार 20 मिनट लगने हैं, उसमें टाइम कंज्यूम इतना कुछ है नहीं, आप आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है, ये काम भी ज़रूर कर देना। बाकी इसके अलावा दोस्तों मुझे लगता है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर फिर भी नहीं होते हैं क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।